रेवाड़ी शहर में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक वेन्यू कार से 31,50,000 रुपए कैश बरामद किया है। कार में 500-500 रुपए के नोट की गड्डी रखी हुई थी। कैश गुरुग्राम से नारनौल लेकर जा रहे थे। कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पुलिस ने कार में सवार दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया। कैश और दोनों लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपा जाएगा। पुलिस की तरफ से पटौदी रोड पर नाकाबंदी की गई थी। सदर थाना पुलिस की एक टीम ने पटौदी चौक पर नाकाबंदी की हुई थी, तभी पटौदी की तरफ से एक सफेद रंग की वेन्यू कार आती हुई दिखाई दी। इस कार को पुलिस ने चेकिंग के लिए रुकवा लिया। कार में दो लोग सवार थे। पुलिस को देख दोनों घबरा गए, जिसकी वजह से पुलिस को शक हुआ। पुलिस टीम ने दोनों युवकों को कार से नीचे उतार कर तलाशी ली, तो कार में 500-500 रुपए के नोट की गड्डियां रखी मिली। पुलिस ने इनकी गिनती की तो 31,50,000 रुपए मिले। पुलिस ने पैसों से संबंधित दोनों युवकों से पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। दोनों युवक नारनौल के रहने वाले हैं। साथ ही ये पैसे गुरुग्राम से वाया पटौदी होते हुए रेवाड़ी के रास्ते नारनौल लेकर जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस द्वारा दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही पैसे वे कार अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पैसे किसके थे और इन्हें किसके पास पहुंचाना था। सदर पुलिस का कहना है कि पैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपे जाएंगे। दोनों लोगों से आगे की पूछताछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करेगा।